हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम एक स्पेशल फिरनी बनाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 500 ml दूध को बॉईल करेंगे। और उसे चला लेंगे। जब तक दूध बॉईल हो रहा है तब तक हम भीगे हुए चावल लेंगे, जिसे हमने पहले ही एक घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब इसे मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। चावल बारीक पीस चुके हैं। देखिए ये इतना बारीक पेस्ट बनना चाहिए। अब इसे हम उबलते हुए दूध में डाल देंगे। और इसे लगातार चलाते जाएंगे। अगर आपको लगे कि चावल दूध में अच्छे से नहीं घुल पा रहा है और छोटे छोटे ढेले बनने लगे हैं, तो विस्क या रई की सहायता से उसे चलाकर ठीक कर सकते हैं। अब इसमें चीनी डालेंगे और मिला लेंगे। अब इसमें 10 से 12 केसर के रेशे डालेंगे। हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक दूध थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। देखिए काफी चलाने पर इतना गाढ़ा हो गया है। अब इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 7 से 8 कटे हुए बादाम, कुछ कटे हुए पिस्ते और 1 चम्मच गुलाब जल डालेंगे। सारी सामग्रियों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए ये रेडी है। अब गैस बंद कर देंगे। फिरनी बनकर तैयार है। अब इसे मिट्टी के बर्तन में निकाल लेंगे। हमने यहाँ चौकोर मिट्टी का बर्तन लिया है। आप चाहे तो हांडी या मटकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे कटे हुए बादाम से गार्निश करेंगे। और साथ ही कटे हुए पिस्ते से भी गार्निश कर लेंगे। आप इसे फ्रिज में 1 घंटे रखने के बाद सर्व कर सकते हैं और इसे आप ईद के मौके पर भी गेस्ट के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।